चंद्रमंडल में भी पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, लेकिन वहाँ की पृथ्वी, वहाँ का जल, वहाँ का तेज, वहाँ के वायु, वहाँ के आकाश का स्वरूप क्या है, वो सूक्ष्म है। वहाँ के लोगों को रहने के लिए जैसा चाहिए वैसा। तो जितने 14 भुवन है सब में चंद्रमंडल में भी है, अग्निमंडल में भी है, अग्नि भी लोक है या नहीं, वहाँ के जो देवता होते हैं उनका शरीर इतना दिव्य होता है आग से न जले। प्रहलाद का शरीर आग से नहीं जला ना, सबका शरीर तो नहीं ऐसा है। प्रहलाद को आग में झोंक दिया गया लेकिन प्रहलाद का शरीर अग्नि से नहीं जला। इसी प्रकार से हम लोग पानी में, अब देखो मछली जो है पानी में रहती है ना, मछली जो पानी में रहती है तो सोती कैसे होगी, जलती रहती है ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसकी निद्रा का और जल अजीर्ण, उसको जल पीने से अजीर्ण क्यों नहीं होता, जल कितने पीती है कि जीवित भी रहती है। इसलिए जितना भी लोक सृष्टि है तो वहाँ प्राणी अवश्य हैं, एक नियम में स्थावर प्राणी भी हैं, जंगम प्राणी भी हैं। जंगम माने चलने फिरने वाले, स्थावर माने पेड़ पौधे आदि। अगर सृष्टि बनी है तो जीवों के लिए बनी है, जीवार्था सृष्टि है, इसका मतलब वहाँ पर प्राणी है, स्थावर प्राणी भी हैं, जंगम प्राणी भी हैं। वृक्ष वृक्ष में अंतर होता है या नहीं, ऐसे ही घास घास में भी अंतर होता है, पेड़ पौधे में भी अंतर होता है। चंद्रमंडल में भी पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, लेकिन वहाँ की पृथ्वी, वहाँ का जल, वहाँ का तेज, वहाँ के वायु, वहाँ के आकाश का स्वरूप क्या है, वो सूक्ष्म है। वहाँ के लोगों को रहने के लिए जैसा चाहिए वैसा। स्वर्ग में भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है, लेकिन यहाँ की पृथ्वी और स्वर्ग की पृथ्वी में बहुत अंतर है। इतिहास रचेगा ही, इतिहास रचे हमारी भावना है। असफलता से घबरावे नहीं और सफलता का मार्ग असफलता प्रकट करें। हम ये नहीं करें कि असफल हो जाए, उसे सफलता मिले। देश के लिए गौरव है, विश्व के लिए गौरव है। मेधा की शक्ति, श्रम शक्ति सब भारत की सराहनीय है विश्व स्तर पर।